नमस्कार। वार्म अप के दौरान सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे बिना इंजरी के 100% आउटपुट आ सके? यह एक प्रश्न बड़ा ही कॉमन हो रहा है। तो देखिए मित्रों, जब भी हम लोग वार्म अप शुरू करें उस वक्त सबसे पहले हमें ऑन टूज वॉक शुरू करनी चाहिए, उसके बाद ऑन हील वॉक करनी चाहिए, कुछ स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए, कुछ स्टेप बैकवर्ड आना चाहिए, और उसके बाद दोनों हाथों को ताड़ासन पोज में स्ट्रेच करते हुए पहले ऑन टोज वॉक, हाथ नीचे रहेंगे, फिर ऑन हील वॉक, फिर आगे ऑन टोज, और फिर बैक, फिर पीछे ऑन हील्स, और फिर हाथों को ऊपर ले जाना है। यह सीक्वेंस रखना है। क्यों? इसका कारण मैं बता देता हूं। वैज्ञानिक पद्धति यह कहती है कि मसल्स की मांग के आधार पर हृदय को रक्त की आपूर्ति करनी होती है। जब हम लोग सबसे पहले ऑन टोज वॉक करते हैं तो अप टू बॉटम हृदय को रक्त को भेजना पड़ता है। साथ ही इसके साथ कैल्केनियस बोन के साथ, एडी की हड्डी के साथ जो एचिलस टेंडन जुड़ा होता है, जिसके ऊपर टोटल बॉडी वेट रहता है, उसे भी ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज्यादा भेजनी होती है। तो हमें सबसे पहले ऑन टोज वॉक करना चाहिए, फिर ऑन हील वॉक करना चाहिए। फॉरवर्ड रोटेशन के अंदर बॉडी का फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाता है, और बैकवर्ड के अंदर हम लोग अगेंस्ट रेजिस्टेंस काम कर लेते हैं, जिससे बैक्स की मसल को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त के साथ हो जाती है। साथ ही जब भी वार्म अप करते हैं तो मसल्स लूजनिंग कंडीशन में होती है, तो लूजनिंग कंडीशन में से मसल टोन को प्राप्त करने के लिए हमें हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कर लेना चाहिए। अब जब हम स्ट्रेच करेंगे तो दो कान होंगे, मसल टोन जो है वह डेवलप हो जाएगा और सीएनएस जागृत हो जाएगा, जिससे हम लोग अपने शरीर को तैयार कर पाएंगे किसी भी खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए। शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षाओं के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया है। जूम ऐप के माध्यम से मैंने इसको शुरू किया है। जूम की बाध्यता है कि केवल 100 लोग ही हम लोग जूम में एक साथ जोड़ सकते हैं, उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ पाएगा। परसों मीन्स आज से 2 दिन पहले मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, और विद इन 48 आवर्स 100 में से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, केवल उंगलियों पे गिनने वाले लोग बाकी रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की तैयारी कर रहे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं, केवल कुछ सीटें जिन्हें हम लोग फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर बाकी रही है। एक बार 100 लोग हो जाएंगे तो मैं किसी भी जोड़ नहीं पाऊंगा। तो यदि आप लोग पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर ले। रात्रि 8 बजे मैं जूम ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, वो आज से 2 दिन पहले हमने यूट्यूब पर एक क्लास, जिसमें बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, उसका डेमो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। थैंक यू।